भगवान राम श्री राम से कहता हूँ, मेरी निवेदन करता हूँ कि ऐसी ही उनकी कृपा सब देश पर बनी। फिर वहाँ ऐसा जुनून हुआ, प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की इच्छा ऐसी हुई कि वो ढांचा ध्वस्त हुआ। वो दीपावली मनाई गई थी, उससे ज़्यादा भी दिव्य भव्य दीपावली पूरी दुनिया में मनाई जाएगी कल। मैं सबको शुभकामनाएं, संतों ने ही तय किया है, कल भी सब संत रहने वाले हैं, शंकराचार्य जी भी के रहने वाले हैं, सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय ये अच्छा काम हो रहा है, पुनीत काम हो रहा है। पर कांग्रेस ने तो ये सिद्ध ही कर दिया था ना, लिखित में डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। 6 दिसंबर 1992 और 1990 में हुई कार सेवा में देश के अनेक भाजपा नेता, संघ कार्यकर्ता और विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोग शामिल हुए थे। कार सेवा की कई यादें हैं जो अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और कैबिनेट का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता शैलेंद्र बरुआ भी उन्हीं में से शामिल हैं। शैलेंद्र बरुआ ने पेप्टिक टाइम से इस मुद्दे पर बात की, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। सुनिए शैलेंद्र बरुआ का ये खास इंटरव्यू। पाठ एवं पुस्तक निगम के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं और कल 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और पूरे देश में दीपावली के पर्व के रूप में यह पर्व भी मनाया जाएगा। जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में देखा जाए तो युवाओं में भी काफी उत्साह है और साथ में कल 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 6 दिसंबर 1992 को जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान भी शैलेंद्र बरुआ जी भी उस जगह पर मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने देखा, हम पूछते हैं उनसे। जी सर, मैं पूरे देशवासियों को और सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राम जो दिव्य मंदिर 500 वर्ष पूर्व था, जिसको आतताइयों ने, जो विदेशी आक्रांता थी, उन्होंने उस भगवान के मंदिर को तोड़ा, तभी से हम सबका स्वप्न था कि भगवान अपने भव्य मंदिर में आए। और हम कहते भी थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को मैं भी उस कार सेवा का साक्षी था, मैं भी वहाँ था और भगवान अब अपने घर में पहुँच गए हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि रामलला हम आएंगे, भारत भव्य बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। अब हम भारत को भव्य बनाने का सपना, क्योंकि भगवान राम का मंदिर तो बन गया भव्य, अब भारत को कैसे दुनिया का सर्वोच्च देश बनाएं, संपन्न, शक्तिशाली, आर्थिक रूप से संपन्न, और भारत माता को विश्वगुरु के सिंहासन पर बैठाने का जो हमारा स्वप्न है, उसको भी हम सब लोग, पूरे देश के लोग अपनी आँखों से देखने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत आगे जा रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं अयोध्या तो अभी नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन कल मैं ओरछा में भगवान राम राजा, जो बुंदेलखंड की अयोध्या बोलते हैं इसको, भगवान वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, मैं कल वहाँ रहूँगा कार्यक्रम में। और प्रभु भगवान राम श्री राम से कहता हूँ, मेरी निवेदन करता हूँ कि ऐसी ही उनकी कृपा सब देश पर बनी है। 6 दिसंबर 1992 को आप वहाँ पर थे, क्या घटनाक्रम हुआ था उस दौरान? वो तो एक अलग ही जुनून था, मैं भी युवा था, मुझे लगता है 23-24 साल का रहा हूँ मैं, कार सेवा में गया था, हमारे बहुत साथी थे, हम उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो पूरे देश के, जैसा मैंने कहा कि स्वप्न था कि वहाँ जो एक ढांचा खड़ा हुआ था, जो विवादित ढांचा था, भगवान राम की जन्मभूमि पर जो एक कलंक था, उसको मिटाने के लिए हम लोग गए थे। फिर वहाँ ऐसा जुनून हुआ, प्रभु की कृपा हुई, प्रभु की इच्छा ऐसी हुई कि वो ढांचा ध्वस्त हुआ और भगवान राम को उस समय टेंट में लगा करके उनको वहाँ स्थापित किया, उनकी स्थापना हुई वहाँ विराजे। और आज वो कल अपने टेंट जो था उससे निकल करके भव्य मंदिर में जा रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता हूं मैं। और मुझे क्या, पूरे देश को, पूरी दुनिया को प्रसन्नता हो रही है कि कल फिर दीपावली, जब भगवान राम त्रेता युग में जब वापस लौटे थे लंका विजय करके, तो वो दीपावली मनाई गई थी, उससे ज़्यादा भी दिव्य भव्य दीपावली पूरी दुनिया में मनाई जाएगी कल। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसे शंकराचार्य जी का कहना है कि ये अभी शिखर तैयार नहीं हुआ है, और इस पर क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी हमारे धर्मगुरु हैं, वो उनकी सोच है, वो क्या कहते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ। वो विद्वान हैं, वो हमारे संत हैं, हम उनकी निर्देश लेते हैं, हमारा सनातन समाज पूरा निर्देश लेता है, सब संतों ने ही तय किया है, कल भी सब संत रहने वाले हैं, शंकराचार्य जी भी के रहने वाले हैं, कौन रहने वाले कौन नहीं ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी संत देश के और दुनिया के जो सनातन को
नेतृत्व जिनके हाथों में है, ऐसे सभी संतगण रहने वाले हैं, देश के सभी प्रबुद्ध जन रहने वाले हैं, वहाँ हर क्षेत्र के जो हर विधा के लोग हैं, जो चाहे वो खेल क्षेत्र के हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र के हों, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र के हों, हर क्षेत्र के चुने हुए भारत के प्रमुख लोग उस कार्यक्रम में साक्षी रहने वाले, देखने वाले उस कार्यक्रम को। तो मैं फिर से एक बार सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तिकमगढ़ लोकसभा प्रभारी फूल सिंह बलिया जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोकसभा की पहली बैठक ली थी। उस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि मोदी जी कौन होते हैं आमंत्रित करने वाले, शंकराचार्य जी ही मोदी जी को आमंत्रित करें और कांग्रेस को आमंत्रित करें तो कांग्रेस जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी जी आमंत्रण, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के माध्यम से निमंत्रण जा रहे हैं सबको। मोदी जी को भी निमंत्रण उसी ट्रस्ट ने दिया, तो मोदी जी किसी को निमंत्रण नहीं दे रहे। मोदी जी तो वही भक्त की तरह भगवान राम के उनके ऊपर तो भगवान राम की विशेष कृपा है, तभी तो वो ये सब कर पा रहे हैं। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं उस समय ये अच्छा काम हो रहा है, पुनीत काम हो रहा है, तो मोदी जी भी सौभाग्यशाली है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु राम की मेरे ऊपर कृपा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस एक तरफ पीछे है इस मुद्दे को लेकर, और बीजेपी घर घर जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रही है, जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह है। और एक तरफ कमलनाथ जी को देखें तो कमलनाथ जी राम राम लिख करके एक संदेश दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस तो कन्फ्यूज है, आज से नहीं है, कई वर्षों से है, उनका नेतृत्व ही कन्फ्यूज है, उसकी समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और कांग्रेस किस मोर्चे बात करेगी? कांग्रेस ने तो ये सिद्ध ही कर दिया था ना, लिखित में डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो कांग्रेस क्या कहेगी इसके लिए? कांग्रेस की तो भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कांग्रेस में जो लोग काम करते हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी सद्बुद्धि दे, प्रभु की कृपा उन पर भी बनी रहे, और वो जो भगवान ने उनको काम दिया है, मोदी जी को काम दिया है वो सरकार चलाए, और कांग्रेस को काम दिया है वो आलोचना करते रहे, तो ऐसे निरंतर वो करते रहे, प्रभु से ही प्रार्थना। पाठ पुस्तक निगम के आप मंत्री हैं, तो छतरपुर जिले के लिए क्या सौगात दे रहे हैं? छतरपुर जिले के लिए बातचीत करूंगा मैं, जो आवश्यकता होगी, जो मेरे, मैं तो हर बार छतरपुर जिले में क्या पूरे प्रदेश में ही जो हमारा काम है, निःशुल्क विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध कराना, कक्षा एक से लेकर के बारहवीं तक के छात्रों छात्राओं को, तो मैं उपलब्ध कराता हूँ, समय पर उपलब्ध कराता हूँ। पिछली बार मैंने प्रयास किया था कि नहीं तो थोड़ा लेट हो जाते थे, सत्र प्रारंभ हो जाता था तो उसके बाद आती थी पुस्तकें, समय पर आ रही है, और भी जहाँ आवश्यकता लगेगी मैं प्रयास करूंगा। क्या संदेश देना चाहते हैं कल 22 तारीख को लेकर पूरे देशवासियों को? भगवान राम का कृपा सब पर बनी रहे, हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करे, कर ही रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी पर विशेष कृपा है जैसा मैंने कहा, हम सबके ऊपर प्रभु की कृपा रहे और राम राज्य की स्थापना हो। भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना, कोई गरीब नहीं रहे, कोई बीमार नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे। मोदी जी भी भगवान राम का जो स्वप्न था उसी के अनुसार गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, आयुष्मान योजना के माध्यम से लोगों का इलाज करा रहे हैं, कोई सबके सुख के लिए सभी लोग पढ़े, अच्छी शिक्षा मिले, नई शिक्षा नीति भी ला रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। रामराज आने वाला है, बहुत प्रसन्नता की बात है। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ पाठ पुस्तक निगम के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त शैलेंद्र बरुआ जी, जिन्होंने कल 22 तारीख को अयोध्या में रामलीला की जो प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसको लेकर संदेश भी दिया है और कांग्रेस के लिए कहा है कि राम हमारे भी हैं और आपके भी हैं, तो आप भी इस कार्य में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।